शो बिग बॉस 14 की दमदार कंटेस्टेंट रह चुकी निकी तंबोली इन दिनों काफ़ी बुरे दौर से गुजर रही हैं। एक तरफ जहां निक्की ने हाल ही में अपना भाई जतिन तंबोली को उन्होंने खो दिया है कोरोना वायरस की वजह से, वहीं उन्हें फेमस शो खतरों के खिलाड़ी का 11वें सीजन का ऑफर आया है। इस बीच निक्की तंबोली ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। इसमें उन्होंने बताया है कि वो अपनी फैमिली के बजाय अपने काम को चुन रही हैं। जी हाँ, इतना बड़ा फैसला आखिर निक्की तंबोली ने क्यों लिया, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, इसके बारे में आज हम इस रिपोर्ट में बात करने वाले हैं। पहले आपको ये बता दें कि कोरोना वायरस से जूझते हुए निक्की तंबोली के भाई जतिन ने 4 मई 2021 को अपनी आखिरी सांसें ली। इस बात की जानकारी निक्की तंबोली ने सोशल मीडिया पर दी थी। एक्ट्रेस ने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था कि हमें नहीं पता था कि इस सुबह भगवान आपका नाम लेने वाले हैं। जिंदगी में हमने आपको बहुत प्यार किया, मौत में भी हम वैसा ही प्यार करते हैं। आपको खोकर हमने अपने दिलों को तोड़ दिया। आप अकेले नहीं गए, हमारा आधा हिस्सा आपके साथ चला गया। जिस दिन भगवान ने आपको घर बुलाया, आप हमें ब्यूटीफुल मेमोरीज़ के साथ छोड़कर चले गए हैं। आपका प्यार अभी तक हमारा मार्गदर्शक है। हालांकि हम आपको देख नहीं सकते, आप हमेशा हमारी साइड रहेंगे। हमारी फैमिली चेन टूट चुकी है और अब कुछ भी पहले जैसा नहीं दिखता है। जी हाँ, आपको बता दें कि इसके आगे निक्की तंबोली ने लिखा कि लेकिन जैसे कि भगवान हमेशा एक एक करके सबको बुलाते हैं, ये चेन फिर से लिंक होगी। आपने किसी को कोई आखिरी फेयरवेल तो नहीं दी, गुड बाय भी नहीं कहा। इससे पहले कि हम जान पाते कि आप जा चुके थे, और आप सिर्फ भगवान को ही पता है कि ऐसा क्यों हुआ। हम लोग आपको मिलियन बार मिस करेंगे, हम लोग मिलियन बार रोएंगे। अगर प्यार आपको बचा सकता तो शायद आप कभी हमें छोड़कर नहीं जाते। हम लोग किसी दिन फिर मिलेंगे। मैं भगवान को शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने आपको हमारा भाई बनाया। जब आप धरती पर थे, आप हमेशा प्यार किए जाओगे और कभी नहीं भूले जाओगे। आई मिस यू। जी हाँ, अब उनके उस पोस्ट के बारे में हम आपको बताते हैं, जिस पोस्ट के बारे में हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अपने फैमिली के अलावा उन्होंने अपने काम को क्यों चुना। दरअसल एक्ट्रेस और मॉडल निक्की तंबोली ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर अपनी 2 तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में निक्की फियर फाइटर के नाम से पहनी हुई जैकेट पहने हुए दिख रही हैं, जिसमें वो बैक साइड से पोज देती हुई नज़र आ रही हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि इन तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने बताया कि क्यों उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में भी खतरों के खिलाड़ी में जाने का फैसला किया। निक्की ने एक लंबा चौड़ा कैप्शन लिखते हुए कहा कि मैं अभी अपने ज़िंदगी के उस पड़ाव पर हूँ जहाँ एक तरफ मेरी फैमिली है जो भारी लॉस से गुजर रही है, और वहीं दूसरी तरफ मेरा वर्क कमिटमेंट है। मैं अपने करियर के पीक पर हूँ। अगर इसमें से मुझे एक को चुनना पड़े तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरी फैमिली हमेशा पहले आती है, लेकिन मेरे फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरे डैड ने मुझसे कहा कि जाओ अपने सपनों को जियो और उसे अचीव करो, क्योंकि मुझ पर भरोसा करो। आपका भाई आपके सपनों को पूरा होते हुए देखकर सबसे ज़्यादा खुश होगा। मुझे याद है कि जब मेरे भाई को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उससे पहले हमने साथ में खतरों के खिलाड़ी को डिस्कस किया था और वो इसको लेकर काफ़ी एक्साइटेड और खुश हुआ था। अपनी बात को जारी रखते हुए निक्की तंबोली ने लिखा कि मैं अपने वर्क कमिटमेंट के चलते खतरों के खिलाड़ी को चुन रही हूँ और मैं हमेशा अपने काम के प्रति वफादार रही हूँ, क्योंकि इसने मुझे सब कुछ दिया है। कलर्स टीवी, एंडमोल, साइन इन एक रीढ़ की हड्डी रहे हैं जहां मैं आज हूं, उनकी वजह से हूं। मैं जानती हूं कि मेरी फैमिली मेरे लिए क्या मायने रखती है। मैं लोगों के सामने खुद को मजबूत करने के लिए चित्रित कर रही हूं,
लेकिन मुझे पता है कि मैं अपने जीवन में कहाँ खड़ी हूँ और मेरे परिवार को पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, शो मस्ट गो ऑन। जी हाँ, इसके आगे निक्की ने लिखा कि मैं चाहती थी कि मेरा भाई अस्पताल से आए और मुझे खतरों के खिलाड़ी में देखे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि अब वो मेरे सबसे करीब होगा, जो ऊपर से मुझे देख रहा होगा। मैं अपने भाई को खुश देखने के लिए अपने दर्द से लड़ रही हूँ और वह हमेशा के लिए मेरी ढाल बन जाएगा। खतरों के खिलाड़ी 11, निक्की तंबोली। जी हाँ, मैं अपने भाई, अपनी फैमिली और अपने डर को जीतने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सैकड़ों लाखों लोग मेरे परिवार और भाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं अपने अभिभावक देवदूत दादा के सहयोग से सब हासिल करने जा रही हूँ। जी हाँ, आपको बता दें कि निक्की तंबोली ने अपने भाई को अभी हाल ही में खोया था। जी हाँ, उनके भाई मात्र 29 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जी हाँ, उनके भाई कोरोना से पीड़ित थे, लेकिन इसके अलावा भी वो कई सारी बीमारियों से जूझ रहे थे। आपको बता दें कि इसके अलावा उन्हें टीबी की भी बीमारी थी और वो अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे थे। जी हाँ, ज़िंदगी और मौत से लड़ते हुए उन्होंने हार मान ली और 4 मई को वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इस बात की जानकारी खुद निक्की तंबोली ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के ज़रिए दी। इंस्टाग्राम पोस्ट के ज़रिए उन्होंने बताया कि उनका भाई उन्हें छोड़कर जा चुका है और वो बुरी तरीके से टूट गई हैं, जिसके बाद कई ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने उनके भाई को श्रद्धांजलि भी दी, इस दुख की घड़ी में निक्की तंबोली का साथ भी दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि निक्की तंबोली अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। उनको खोने का गम उनके चेहरे पर साफ झलकता है। जी हाँ, लेकिन इस मुश्किल भरी घड़ी में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। अपने परिवार और अपने काम में से उन्होंने अपने काम को चुना, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि अभी वो अपने करियर के पीक पर है और यहीं पर उनका करियर बन सकता है। उनका भाई भी यही चाहता था, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़े। उनका भाई उन्हें खतरों के खिलाड़ी में देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होगा। जी हाँ, फिलहाल हमें उम्मीद है कि निक्की तंबोली अपने दर्द से उबर कर बिग बॉस 14 की तरह खतरों के खिलाड़ी में भी दमदार कंटेस्टेंट के रूप में उभरेंगी। जी हाँ, वैसे निक्की के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि निक्की का ये फैसला सही है या गलत? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 न्यूज़ से सुरभि की रिपोर्ट।